हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स बीपी सेल को आज के दिन हमने ट्रेड किया था। ट्रेड करने से पहले इस स्टॉक को हमने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया था। एंट्रीज हमने बीपी सेल के अंदर ली थी 432.10 पर। स्टॉप लॉसेस जो हमारे निकल करके आ रहे थे वो 433 के थे, क्योंकि 433 इज़ अ राउंड फिगर। इस वजह से हमने इसके अंदर 10 पॉइंट्स और ऐड किए और 433.10 पर अपने सभी स्टॉप लॉसेस पुट कर दिए थे। तो टोटल जो गैप हमारा बन रहा था वो 1 रुपीज़ का था, यानी कि 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस 2000 का रिस्क, यानी कि 2000 कंट्रीज। टारगेट्स जो हमने इसके अंदर अपने लगाए थे वो 423.60 के हमारे एक्चुअल टारगेट्स थे, जो कि आज के दिन हमको नहीं मिले। मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रही है। जितनी मूवमेंट हमको जिस मूवमेंट की तलाश थी उसका 1/4 भी नहीं मिल पाया पूरी तरह से। सो आज का दिन पूरा एक टोटली साइडवेज था। और सबसे एक्साइटिंग बात क्या थी कि इसके अंदर जो हमने अपनी एंट्री ली थी वो 432.10 पर ली थी। यहाँ पर आप देख सकते 432.10 पर अपनी एंट्री थी एंड 2000 क्वांटिटीज थी, और जो हमारी निकलने की जगह थी वो भी 432.10 ही थी। स्टॉप लॉसेस जो हमने इसके अंदर लगाए थे वो 433.10 के अपने स्टॉप लॉसेस थे। टोटल जो एंट्री और एग्जिट की पोजीशन सेम थी, इस वजह से 0 प्रॉफिट और 0 लॉस हम यहाँ से निकल गए। कुछ भी लॉस नहीं हुआ हमको आज के दिन और कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। सो ओवरऑल अपना ट्रेड यही था। बेसिक चीज़ क्या है कि जिस सिस्टम या फिर जिस मेथड से हम ट्रेड करें उसके ऊपर हमको बिलीव है या नहीं, क्योंकि हमने जो अपने स्टॉप लॉसेस काउंट किए थे लास्ट तक, क्योंकि मार्केट देखिए पूरी तरह से साइडवेज रही है, फिर भी हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं गए और हम अपने स्टॉप लॉसेस के ऊपर कॉन्फिडेंट थे। इस वजह से लास्ट तक हम इस ट्रेड को एंजॉय किया हमने और होल्ड कर पाए। ओके, सो जो भी आप स्टडी करें पूरी तरह से उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, अपने सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू और वेट करते हैं कल की मॉर्निंग का। कोई अच्छा सेटअप, कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो आप लोगों के साथ जरूर उसको हम शेयर करेंगे। Okay, so thank you, goodbye, and we will meet again.